रीवा के मऊगंज पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चुनावी साल में मऊगंज वासियों को बेहद बड़ा तोहफा दिया है। सीएम शिवराज ने रीवा से अलग मऊगंज जिला बना दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मऊगंज पहुंचकर इसका ऐलान किया है। आपको बता दें, मऊगंज मध्य प्रदेश का जो है जिला बन चुका है। हालांकि मऊगंज को जिला बनाने की घोषणा साल 2008 में सीएम शिवराज सिंह ने की थी, लेकिन परिस्थितियां सही नहीं होने की वजह से मऊगंज जिला नहीं बन पाया। इसके साथ ही समय समय पर इसको लेकर सियासत भी होती रही। हालांकि आज मऊगंज के लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। इसके साथ ही सीएम ने संबल योजना के हितग्राहियों को भी बड़ी सौगात दी है। उन्होंने 27,310 मजदूरों के श्रमिक परिवारों को 605 करोड़ रुपए की अनुग्रह राशि सिंगल क्लिक के जरिए वितरित की। साथ ही अन्य विकास कार्यों का भी भूमि पूजन और लोकार्पण किया। भाई बिल्कुल मांग थी और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो मांग पूरी की और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करता हूँ कि मऊगंज में आए और पूरी सौगात दे करके गए हैं। हमारे अन्ना के कॉलेज भी दे के गए और तमाम चीजें उन्होंने किया। फिर एक वो तो सेंक्शन हो गया, पिपराही से जड़कुल मार 57 करोड़ स्वीकृत हो गया। कब तक सर शुरू हो जाएगा? उसका टेंडर हो गया, एग्रीमेंट होगा काम। और क्या हितग्राहियों को दिया गया? बस अभी आज को आपने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का आज मऊगंज आगमन हुआ। सर्वप्रथम तो संबल योजना के लगभग 27,000 हितग्राहियों के पूरे प्रदेश के खाते में 605 करोड़ सिंगल क्लिक के माध्यम से खाते में डाले गए। इसके साथ ही यहाँ मऊगंज में लगभग 700 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों के भूमि पूजन और लोकार्पण हुए हैं। इसके साथ ही एक जो मऊगंज की जनता की सबसे बड़ी इच्छा थी, अपेक्षा थी, आकांक्षा थी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले चुनाव के दौरान कहा था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो मऊगंज जिला होगा और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना वादा पूरा किया है। चुनाव के बाद सरकार हमारी 15 महीने बाद बनी, उसके बाद कोरोना और ये सब रहा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने आज यह सिद्ध कर दिया कि जो कहा है वो करेंगे।